नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार गोलू बिलोड़ा व्लॉग चैनल पे। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम करने वाली है। और वो हम क्यों इकट्ठे हुए हैं सारे, तो अक्की भाई बताएंगे आपको। अक्की भाई थोड़ा नीचे कर, इतना ऊपर थोड़ा बंदे की हाइट भी देख ले, मैं पकड़ लेता हूँ। हेलो एवरीवन, एंड एक्चुअली आज के टाइम पे किसी के पास दो मिनट नहीं है किसी की हेल्प करने के लिए, बट हमने कुछ सोचा है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं सर्दी से बचने के लिए, खाना है, सब है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। और एक एक दिल से हुआ कि चलो कुछ लोगों की जितना भी कर सकें उनकी हेल्प करते हैं, है ना। तो अभी हमारा ये है कि यार किसी की हेल्प करने के लिए ना आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी सी नीयत हो ना आपकी, अच्छी नीयत से आप वो कर सकते हैं। तो बस हम वही लेके चले हैं आज, कुछ पुराने कपड़े जो ठंड से बचाएं। और खाने का अभी एक बार इतना बड़ा नहीं है, लाइक खाने का कुछ एक दो दिन में देखते हैं और धीरे धीरे करते हैं चीज़ें। बट अभी के लिए हमने सिर्फ कुछ कपड़ों का रखा है ठंड से बचने के लिए, कुछ गर्म कपड़े, जैकेट्स वगैरह वो सब। अब देखते हैं किसको ज़रूरत है, निकलते हैं और फिर जिसको ज़रूरत होगी उसको दे देंगे। टेम्परेचर करीब 5 डिग्री है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और ठंड वैसी वाली ठंड नहीं है, सूखी वाली ठंड है। किसने कहा वो थी गोल्ड डिगर, ए मेरे पास तो कौन सी नंबर की नहीं, ए स्प्लेंडर है। हंसते हंसते कुछ भी कहो दोस्तों, इस काम में भी बहुत ज्यादा वो है सुकून, सेटिस्फेक्शन बहुत तगड़ा मिलता है। एक बार ट्राई करके देखियो, किसी की मदद करने से बड़ा सुकून कभी नहीं मिलता। अभी कुछ लोग मिले जिनको शायद जरूरत होगी बहुत अच्छी बस्ती, और यहाँ आसपास में थोड़ा जंगल जैसा भी है तो ठंड ज्यादा हो रही है। हम लोग देख रहे हैं हमारे मुंह से ये भाप निकलते एकदम ऐसे धुआं बन रहा है, तो टेम्परेचर बहुत लो है। पहले कुछ बात करते हैं इनसे, लाइक इनको जरूरत है भी या नहीं। काम आ गए हैं तो दे रहे हैं, है ना। कुछ पुराने कपड़े हैं तो निकालिए, कुछ आपके काम आ जाएं, कुछ बच्चों के काम आ जाएं। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, टेलम से भी निकाल दे कि कोट वगैरह स्वेटर वगैरह पड़ी है तो निकाल दिया भाई, कोट वगैरह भी स्वेटर वगैरह कोट वगैरह है। ये छोटे बच्चों के लिए तो वो लाइट ऑन कर ले, स्वेटर है वो लोग रबर जला के बैठे हैं कि रात निकल जाए, तो उसमें से धुआं निकल रहा है, काला सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो शायद जो कपड़े उनको दिए हैं, जो थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, शायद वो उनकी हेल्प करेंगे। और लोग ढूंढते हैं, कुछ और लोगों की हेल्प करते हैं। चलो चलो भाई, सभी हम घर से निकले थे बट बाइक में पेट्रोल थोड़ा सा कम था, तो अभी पेट्रोल डलवा के अभी हम निकल रहे हैं।
पता नहीं कितना लंबा चलना पड़े यार। मदद के लिए निकल तो गए पर किसकी करें वो भी तो चाहिए ना। एक समस्या ये भी बहुत बड़ी तो समस्या है। अभी घूम रहे हैं बट कोई मिल नहीं रहा, एक्सपीरियंस भी नहीं इस चीज काम का। थोड़ा सा पेट्रोल और चाहिए है ना, कम से कम थोड़ा और घूमना पड़ेगा, थोड़ा और पेट्रोल चाहिए तो डलवाना पड़ेगा। बजट नहीं भैया इतना बड़ा, डलवाना पड़ेगा, लाइक बजट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये सोल है आपके लिए। ये कुछ टी शर्ट वगैरह टी शर्ट है। चलो ये बच्चों के तो नहीं, आपके काम आ सकते हैं, तब देख लेना जो भी मतलब हो। ठीक है ठीक है, जो भी देना है वो पहले दे। हम कपड़ों के हेल्प कर सकते हैं, बाकी और बाका लाएंगे आपको, कल भी मिलेगा। ठीक है, खाने पीने के लिए भी लाएंगे कुछ। ठीक है, हाँ सब कुछ दे दिया भाई। अच्छा, हाँ भाई की दे रहे दे रहे हो क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दे रहा है उसको फ्लैश दिखाने। ठीक है, काम आ जाएगा। और ये स्वेटर दिया आप ही, आप क्या जाएगा है ना। ठीक है, एक पैंट दे देता। पैंट मैं निकालता हूं, पैंट लो पकड़ो। पैंट है कितने का? सुन सुन सुन, इतना है, इतना है येरी पैंट है, इसमें इसका पैंट लो आप, जींस का पैंट लो। चलो ठीक है, दे देते एक जोड़ी हो जाए। शर्ट तो नहीं है, शर्ट तो नहीं है रबिया दोस्तों, हमने सिर्फ आपको टी-शर्ट होगी, बाकी कल आएंगे, कल आपको और ला देंगे। सो गाइस, हम अशिप भाई के स्टूडियो में भी पहुंचे हैं और आज जितने की हेल्प हो सकी हमने उतना की, बाकी कंटिन्यू कल करेंगे। ओके भाई, अगर आप वॉलंटियर करना चाहें, साथ देना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप कुछ दे के मदद नहीं कर पाए तो लाइक आप बता के हेल्प कर सकते हैं कि कहाँ ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, आप हमें उनकी जगह बता दीजिए, हम वहाँ आके उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो दोनों तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, बट इंसान है, इंसानियत के नाते इतना बनता है यार कि करना चाहिए। लाइक इतना सर्दी हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों के पास, हमारे पास छत है, खाना है, बट बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो अगर हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाए ना तो दुआएँ बहुत मिलेंगी और उसकी वजह से जो सुकून मिलेगा ना आपको, आज यही चीज़ हमने फील करी है जो शायद आप फील ना कर पाओ, क्योंकि भाई जो खुशी मिली है ना बता नहीं सकते, वर्ड्स नहीं है वो बताने के लिए कि हम क्या फील कर रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी देख के जो हमारे दिल को सुकून मिला है ना वो नहीं बता सकते। जो भी था बहुत अच्छा था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कुछ छोटा ट्राई किया था बट बड़ा करने की क्या बोलते हैं मोटिवेशन मिली बहुत ज़्यादा। और ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम हमें अच्छा दिखना या कुछ और, अगर आप हमें इस वीडियो के थ्रू देख रहे हो तो इसलिए कि शायद कोई आप में से ऐसा हो जिसको अंदर से ये फीलिंग आए कि यार हमें भी करना चाहिए। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ये वीडियो भी इसके लिए बन रहा है कि शायद किसी को ऐसा फीलिंग आ जाए कि मेरे को भी करना चाहिए, सिर्फ उस लिए। बाकी नाम वाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, बस इतना है कि किसी को ऐसा लगे कि हाँ मेरे को भी करना चाहिए यार, सिर्फ इसलिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, कल मिलते हैं भाई। प्लीज अच्छा करो अच्छा मिलेगा, सिर्फ यही है मैसेज। इंसानियत जगा के रखो, उसको मरने मत दो।